और इस बीच एक और बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से। बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जनसत्ता दल प्रत्याशी की जीत हुई है, राजा भैया की पार्टी है जनसत्ता दल के, अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं। राजा भैया ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था और सपा प्रत्याशी को हराकर ये जीत जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने जीती है। तो बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है जहां पर अक्षय प्रताप जीते हैं। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल प्रत्याशी की जीत हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये प्रतापगढ़ वाली सीट को लगातार ये समझा जा रहा था कि यहाँ पर चूंकि राजा भैया का प्रभाव है तो अक्षय प्रताप सिंह ही जीतेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है, राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, सपा प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अभी तक 3 सीट ऐसी रही जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की, बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आया है। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, आजमगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी जीते और वाराणसी में भी निर्दलीय प्रत्याशी ने ही जीत दर्ज की है। तो ये 3 सीटें कुल मिलाकर अभी तक सामने आ रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल सका है। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है अवधेश। बिल्कुल, तो राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। और यहाँ पर राजा भैया को बयान भी याद आता है जब अखिलेश यादव ने पहचानने से इनकार किया था, कुंडी लगाने की अपील की थी कुंडा में, तब उन्होंने कहा था कि अभी किसी की ये क्षमता नहीं है कि कुंडा में कुंडी लगा सके। फिर चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, वहां पर राजा भैया की पार्टी ने कमाल किया प्रतापगढ़ में, उसके बाद विधानसभा में कमाल हुआ और अब MLC चुनाव में भी प्रतापगढ़ में लोकतांत्रिक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी जीत गए हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं, तो उन्होंने उम्मीदवार बनाया था और राजा भैया की पार्टी के उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह ने कमाल किया है, सपा प्रत्याशी को हराकर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीत गए हैं और सपा उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी है।